हमारे विभाग के राज्य मंत्री माननीय श्री अश्विनी चौबे जी, माननीय सौ निरंजन ज्योति जी, सभी गणमान्य राज्यों के मंत्री जो यहाँ पे आए हैं, उप मुख्यमंत्री श्री, सेक्रेटरी कंज्यूमर अफेयर्स श्री रोहित सिंह जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्रीमती निधि खरे जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्री अनुपम मिश्रा जी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के श्री प्रमोद तिवारी जी, यहाँ उपस्थित केंद्र और राज्य सरकारों में इस विषय से संबंध रखने वाले सभी अधिकारीगण, कई संस्थाओं के भी आज प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हैं, खासतौर पे उपभोक्ताओं के साथ जो संबंध रखते हैं, कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस के भी मित्र यहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया के मेरे मित्र भाई और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और अच्छा लगता है जब सभी विषय को गंभीरता से लेके, गंभीरता उसकी समझते हुए चर्चा के लिए समय निकालते हैं, समय देते हैं, विषय की गहराई में जाके उसमें से समाधान निकालने के लिए जब संयुक्त प्रयास होता है सभी का, तब मैं समझता हूँ कि आउटकम्स अच्छे मिलते हैं। मेरी तो उम्मीद रहती थी कि ज्यादा राज्यों के मंत्री आए और सौभाग्य हो इस महत्वपूर्ण चर्चा में। सर्टेनली थोड़ा दुख होता है कि राज्य इस विषय को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं जितना लेना चाहिए, और अच्छा रहता अगर बाकी राज्यों के भी मंत्री आते तो एक सभी के व्यूज टेबल पे आते, सभी की सहमति अच्छी बनती। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मंत्री आए हैं वो शाम तक रहें और देखें कैसे इस पूरी चीज, और इसके साथ भी अगर कोई और जुड़े हुए उपभोक्ता मामले के विषय उनके संज्ञान में हो तो उसके बारे में जितना हमें इनपुट दे सकें हम उससे लाभान्वित होंगे। हमारे काम की प्रक्रिया में, हमारे कानूनों में काम को किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसमें अगर कोई और सुझाव भी हो आज के दिन भर की बैठक में और उसके बाद भी, तो हम उसका स्वागत करते हैं, खुले दिल से, खुले मन से स्वागत करते हैं। पर ये जरूर इन्फॉर्म करना, जो जो मंत्री नहीं आए हैं, जो जो राज्यों के और उनके अधिकारी आए होपफुली यहाँ पे होंगे, प्लीज डू कन्वे टू योर मिनिस्टर्स दैट वी मिस्ड देम and we would have been very happy if they would have joined us and participated in this very important discussion. Aaj jo bhi nirnay lena hai, aaj sham tak utna ko nirnay leke hi uthenge. Aur mujhe lagta hai hamare paas ek achha north east se bhi hai, north india se bhi hai, dakshin se bhi hai, kendra delhi se bhi hai, desh ka sabse bada rajya uttar pradesh ke mantri hai, to mujhe lagta hai we are well represented. और इनकी सहभाग्यता हो तो बाकी सबकी हम समझे कि उनको इंटरेस्ट नहीं है या उनकी सहमति है हमारी बातों से, और इससे ज्यादा मतलब हमने कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड के दिनों में चर्चाएं की, हमने कई बार इस विषय पे यहाँ पे भी चर्चा की है, अब इससे बियॉन्ड तो और ज्यादा कंसेंसस बिल्डिंग नहीं हो सकता, तो आज कुछ आउटकम्स के साथ ही हमने उठना चाहिए। मुझे एक वाक्य याद आता है जो काफी फेमस है, एक किताब में पढ़ा था, अ गुड डिस्कशन इंक्रीजेस द डायमेंशंस ऑफ एवरीवन हु टेक्स पार्ट। ऐसा नहीं है कि जब हम चर्चा करते हैं तो सिर्फ हम ही को लाभ हो रहा है या केंद्र सरकार को या इस विभाग को लाभ हो रहा है, चर्चा में से आप सबको भी लाभ होता है, आप सब भी उसमें से कुछ निचोड़ लेके जाते, आप सबको भी अपने अपने काम में कुछ ना कुछ नए तरीके से, जैसा दीदी ने कहा, परिवर्तित रूप से सोचने के लिए, आगे काम करने के लिए शायद कुछ
नए विचार आए, कुछ प्रोत्साहन मिले, तो इससे ये गिव एंड टेक होता है. डिस्कशन इज ऑलवेज टू वे, और इसीलिए आप सबने समय निकाला, मैं उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो भी आज इस कार्यशाला में उपस्थित है. आप सोचोगे मैं इतनी सारी किताबें क्यों लेके आया. आजकल मैं कौतल्या की अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूं, और ये भी मुझे एक राज्य के मंत्री ने ही दी थी कुछ समय पहले. अब वो नहीं है मंत्री, लेकिन जब उन्होंने दी थी और मैंने पढ़नी शुरू की, तो आप सोचिए कितनी पुरानी है. कब चाणक्य ने इस विषय को गंभीरता से पूरा डॉक्यूमेंट किया. और ये मैं इससे कह रहा हूं कि हम तो आज बैठे हैं, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर के सब कानून देखते हैं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें आया द चीफ कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, अर्थशास्त्र में लिखे, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जिक्र किया है. मेन पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, पनिशमेंट की सिर्फ एक ही लाइन है, ओनली वन लाइन. मैं इसलिए ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये काम बड़े जिम्मेदारी का है. वो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो हमारे जितने अधिकारी इसमें जुड़े हुए, पहले कैसे होता था, क्या होता था, उसमें मैं जाना ही नहीं चाहता. उसके बारे में जाऊंगा तो मुझे अपने खुद के स्वयं के अनुभव भी याद आएंगे जब मैं बिजनेस करता था. फिर याद आएगा मुझे कितना हैरेसमेंट झेलना पड़ा इस विभाग से. फिर याद आएगा किस तरीके से आके बंदूक रख के सिर पे बाकी जो भी होता था. तो मुझे वो याद नहीं करना, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है याद करना, क्योंकि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे बल दिया गया कि हम सबकी सामूहिक कर्तव्य है. ये जो विषय है ये ऐसा नहीं है कि कोई केंद्र सरकार ने कानून बना दिया और एक खुली छूट मिल गई. ये कर्तव्य है कि उपभोक्ता के साथ कोई अन्याय ना हो. पर हमारा कर्तव्य उतना ही व्यापारी की तरफ या उद्योग की तरफ भी है कि उनका भी जीना आराम नहीं कर सकते, उनका भी जीना या उनको भी प्रताड़ित नहीं कर सकते, उनका भी काम सरल तरीके से चले. कौन बेईमानी करता है और क्या बोनाफाइड मिस्टेक है उसका, उसको बड़े सरल तरीके से सब समझते हैं. और मुझे लगता है कि हमारा फोकस रहना चाहिए कि कैसे, कहां पे मेंसरिया है और कहां बोनाफाइड डिसीजन. उदाहरण के लिए, जहां पे वेट एंड मेजर का कैलिब्रेशन होता है, अगर वहां कुछ गलत हो तो पूरी शक्ति से हमें उतरना चाहिए, क्योंकि वहां फिर बोनाफाइड नहीं माना जा सकता. अगर आपको एक लाइसेंस मिला है, आप सर्टिफाइड अथॉरिटी हैं, जिसके सर्टिफिकेट की इतनी वजन है, उसका खुद का इतना वजन है कि उसमें गलती की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए. और वहां कोई गलत करे तो मैं आखिरी व्यक्ति हूं जो कहूंगा वहां कोई रियायत देनी चाहिए. इसमें भी लिखा है, ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शैल बी इंस्पेक्टेड एंड स्टैम्प्ड वंस एवरी फोर मंथ्स ऑन पेमेंट ऑफ स्टैंपिंग फी. अब सोचिए कितने सदियों पहले की ये विचारधारा है. फिर पूरी डिटेल में कंट्रोल भी लिखा है कैसे होगा. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स शैल बी इंस्पेक्टेड एंड स्टैम्प्ड वंस एवरी फोर मंथ्स, और ब्रैकेट में आगे लिखा है ऑल डिटेल्स अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर गिवन इन अपेंडिक्स वन. सोचिए तब से इसके बारे में कितनी गंभीर चिंता थी कि उपभोक्ता के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए. और फिर बाकी अलग अलग चीजें हैं. तो रियली कंट्रोलर ऑफ वेट्स एंड मेजर्स का बेसिक डॉक्यूमेंट इतना है, दैट्स इट. छोटे मोटे अपेंडिक्स में थोड़ी डिटेल्स और हैं. और आज पे आए, अगर ये आपकी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, अलग अलग उसके पहलू और उसके रूल्स.
कौन सा व्यापारी, कौन सा उद्योग, मैं तो समझता हूं बड़े से बड़ा भारत का उद्योग, कौन सा उपभोक्ता, इसके ऊपर समझ के कार्रवाई कर सकते हैं। मेरे समझ के बाहर है, मुझे मालूम नहीं अधिकारियों को ज्यादा इसकी जानकारी होगी। मैं अभी अभी इसका एक हिस्सा देख रहा था, जब अभी ध्यान आया बैठे बैठे तो एक किताब मंगाई, मार्जिन ऑफ एरर क्या दिया, व्हाट इज द मार्जिन ऑफ एरर। तो अधिकारियों ने मुझे अभी मार्जिन ऑफ एरर बताया, शायद 10 किलो पे 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, 10,000 ग्राम में 1.5 ग्राम। अब मैं उसको इससे नहीं आर्ग्यू कर पाया क्योंकि मुझे बता दिया गया ये अंतरराष्ट्रीय मानक है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वैसा है तो मैं तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से दूर नहीं जा सकता, इनफैक्ट शायद 50 किलो पे तो 7.5 ग्राम है। मेरी समझ के बाहर है, जो गोनियों में आप अनाज देते हो, हमारा ही विभाग है ना दूसरा, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, 50 किलो की गोनी होती है, उसमें 7.5 ग्राम कोई मेजर करके बता दे मुझे, 7.5 ग्राम की एक्यूरेसी पे हम खरीदते हैं, आई थिंक इट बी एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम। मैं इससे ये कह रहा हूं कि हमने सबने मिलके सोच समझ के और सरलीकरण करना पड़ेगा कि कैसे ये पूरा प्रोसेस ईमानदार व्यवस्था की तरफ जाए, जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, लेकिन हमें प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा क्या संभव है क्या नहीं है। हो सकता है कि आपके ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो हमें जाना है, लेकिन वो किन प्रोडक्ट्स पे, किस टाइप की चीज के ऊपर अप्लाई करेगा। हाँ, अगर कोई सोना खरीदने जाए तो शायद ग्राम्स में भी मिलीग्राम्स की टॉलरेंस होगी, ऑब्वियसली 50,000 रुपए किलो का कितने का सोना बिकता है, पर 50,000 रुपए किलो का एक प्रोडक्ट और 20 रुपए, 15 रुपए, 50 रुपए का एक प्रोडक्ट जो ठेले पे दुकानदार अपना सब्जी वाला बेचता है, ये तो सभी को अप्लाई करता है ना, और प्रताड़ित कौन किया जाता है सबसे ज्यादा, छोटा ही आदमी। जो आपने 1 लाख केसेस के अभी आंकड़े दिए, अभी मैं आंकड़े भी देख रहा था, 1 लाख कुछ केसेस के आंकड़े थे ना आपकी प्रेजेंटेशन में, 1,13,000, 1,26,000, फिर कोविड काल में थोड़े कम हुए पिछले 2 सालों में। अब आपने वो आंकड़े देखे सबने, कैन यू पुट दैट स्लाइड ऑन अगेन प्लीज, व्होएवर इज कंट्रोलिंग द कंप्यूटर। अब मैं आप सबके को रिक्वेस्ट करूंगा, इसको जरा गंभीरता से देखें, अब इसको आप गंभीरता से देखिए इस स्लाइड, मतलब मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़े वैसी इस स्लाइड, और मीडिया के हमारे बंधु इस रूम में हैं, मैं इससे मीडिया को भी साथ में रखा इस सत्र में, कि मैं चाहता था कि मीडिया इस बात को देश भर में उजागर करे, और उससे देश के जो सब राज्य हैं जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया है डिक्रिमिनलाइजेशन इस एक्ट को, उन सबका पर्दाफाश हो, क्या सोच है वो, क्या आपके आपके मन में क्या खोट है जिसके कारण सब इस डिक्रिमिनलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं राज्य, ये बात जनता के बीच में जानी चाहिए। अब आप देखिए, पहला ऑफेंस बुक होता है, कंपाउंड भी हो जाता है, 2,500 जो भी फीस होती होगी उसके अंदर, मैं नई डिटेल में जा रहा हूं,
मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ, मुझे अब इस विभाग में 1.5 साल हो गया और 1.5 साल से इस काम के पीछे लगने के बाद कुछ मात्रा में दुखी होकर आज की एक कार्यशाला रखी है। मुझे आज तक कोई इसका जवाब नहीं दे पाए। लीगल मेट्रोलॉजी के कुछ ऑफिसर्स मुझे सुनाते रहते हैं, नहीं साहब लोग इतना डर जाते हैं पहला ऑफेंस के बाद कि दूसरा ऑफेंस होता ही नहीं है। इस देश में तो फांसी की सजा भी जिस चीज पे उस पर भी सीरियल ऑफेंडर्स और रिपीटेड ऑफेंडर्स इससे ज्यादा होंगे फांसी की सजा के। अब पहला जो ऑफेंस है 1,13,000, इसमें सबसे अधिक है फॉर यूज ऑफ अनवेरिफाइड वेट और मेजर। अब एक बार उसने ये ऑफेंस किया अनवेरिफाइड वेट और मेजर, उसके बाद पूरे साल भर किसी कोई अप्रैल में भी बुक हुआ होगा, पूरे साल भर उसने कभी नहीं किया अनवेरिफाइड वेट और मेजर। तो फिर तो हर साल ये आंकड़ा खत्म हो जाना चाहिए था, अभी आस्ते आस्ते जीरो पे आ जाना चाहिए था। अगर 11 महीने के लिए आदमी सुधर गया तो लाइफ लॉन्ग सुधर जाएगा, पर जब डिटेल्स निकाली तो सेम ऑफेंडर को 3 बार इन 4 सालों में चलान कटा है। मैं आपके सामने सिर्फ ये प्रश्न उठा रहा हूं, सब लीगल मेट्रोलॉजी के ऑफिसर्स आए हैं ना, जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट किया या अपने अपने मंत्रियों को या सरकारों को कन्विंस कर दिया कि इस पे डिक्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। इतना आपकी ताकत है, वो 2,000-3,000 रुपए के चलान की इतनी ताकत है कि आदमी फिर 11 महीने कोई ऑफेंस नहीं करता और फिर अगले साल फिर से आप पकड़ लेते हो उसको। इसमें उपभोक्ता का कहां लाभ हो रहा है? अच्छा, वैसे तो ये जरूर बात सच है कि कई लोग मिसयूज भी करते हैं, और कई लोग अगर ऐसे आप 50 किलो पे 7.5 ग्राम का, चाहे अंतरराष्ट्रीय मानक ही क्यों ना, अगर आपकी टॉलरेंस है तो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू ऑल टू सी कि आपके यहाँ सिस्टम क्या है। मेरा तो मानना है कि जो अधिकारी जाके दुकान पे चेक करता है, मुझे तो उसकी मशीन भी कैसे 7.5 ग्राम 50 किलो की मशीन एक्यूरेट रहेगी जब वो उसको उठा के लेके जाएगा अपनी गाड़ी में या जैसे भी जाता होगा। गाड़ी तो होगी सब लीगल मेट्रोलॉजी के ऑफिसर्स के पास। पर गाड़ी में भी लेके जाए और दिन में 3 जगह लेके जाए तो 4थी जगह तक उसकी एक्यूरेसी रह ही नहीं सकती है। फिर मुझे समझाने की कोशिश की, मैं इससे बाहर गया था समझने के लिए, क्योंकि आज ध्यान आया कि मैं उतनी डिटेल में नहीं गया हूं कि अफसर चेक कैसे करते हैं दुकान में जाके। बोला नहीं, वो मशीन लेके जाते हैं, उसके पास उसका स्टैंडर्ड अप्रूव वेट है, उससे कैलिब्रेट करता है फिर मशीन, और फिर व्यक्ति का वजन उस पर चेक करके डिसाइड करता है। तो अगर ये बात सच है कि आपको हर बार चेक करने के पहले अगर आपको ही खुद की मशीन को रिकैलिब्रेट करना पड़ता है, समझ रहे हैं ना मेरा इशारा, तो आप मुझे बताइए जो दुकानदार की मशीन जो दिन में 50, 100, 200 बार सामान बेचती होगी, वो क्या हर बार सामान बेचने के पहले या हर 10वीं बार सामान बेचने के पहले कैलिब्रेट कर पाएगा, या जाएगा कोई दुकान में लैब में कैलिब्रेट करने के लिए? आपकी खुद की इंस्पेक्टर की मशीन जब थोड़ी सी भी हिलती है तो आपको रिकैलिब्रेट करने पड़ता है। पर ये आंकड़े ही पर्दाफाश करते हैं। अच्छा, मैंने ये अक्टूबर 20 से शुरू किया था ना मामला, तो उसके बाद भी आप देख लीजिए 21-22 मेरे मन में था कि अब ये मामला उजागर हुआ है तो शायद अब सेकेंड ऑफेंस बढ़ा के जस्टिफाई करने की कोशिश होगी कि जरूरी है, क्योंकि लगभग कई राज्यों ने इसको ऑब्जेक्ट किया, पर वो भी नहीं है। सिस्टम परफेक्ट है, सिस्टम में कोई बदलाव नहीं, और ईमानदारी ऐसी आ जाती है 4,000-2,000 के चलान के बाद कि 3 ही सेकेंड ऑफेंस 2021 में। कोविड में दुकानें कुछ समय के लिए जरूर बंद हुई थी, पर ऐसा नहीं हुई थी कि सेकेंड ऑफेंस कोई कर ही नहीं रहे।
अच्छा वैसे तो कोविड में दुकानें बंद हुई 3 महीने के लिए सब, उसके बाद जब खुली होगी तब तो वैसे ही बहुत केसेस मिल जाते सेकंड ऑफेंस वाले। अब इस पे आप लोग सब विचार करना और फिर आज की जो कार्रवाई होगी दिन भर की उसके बाद मैं समझना चाहूंगा कि क्या सबकी सोच है, कैसे अंतरराष्ट्रीय मानक को रखते हुए क्या हम कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस पे आ सकते हैं, क्या अलग अलग वस्तु की एक अलग इंपॉर्टेंस या सोचने के विचार करने की आवश्यकता है, जो ये 1 लाख केसेस है उसका कितना एनालिसिस आप सबने किया है, क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि गहराई में जाएं कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स, किस टाइप के ऑफेंडर्स हैं, क्या ठेले वाले के ऊपर वही मापदंड लगेगा जो सोने की दुकान पे लगता है। ये सब चीजों को मैं समझता हूं, मेरा पर्पज ऑफ ऑल ऑफ दिस एफर्ट वॉज कि आप सबका मन खुले और आपके दिल में थोड़ी संवेदना हो। भाई अभी तो सरकार में भी अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, ऐसे भी कोई हालत नहीं है कि सरकार में काम करने में कोई तकलीफ है, क्या हम थोड़ी संवेदना के साथ एक ऐसी अच्छी ईमानदार व्यवस्था इस विषय में बना सकते हैं क्या देश भर में। और जो कैलिब्रेट करते हैं भी उसको जरा भी रियायत मत दीजिए, जो सर्टिफाई करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर जाके गलत वेट के बावजूद अप्रूव करते हैं उसको जरा भी रियायत मत दीजिए। अगर कोई मंत्री भी इंटरफेयर करते हैं आपके काम में और बोलते हैं कह रहे उसने गलत वेट था पर उसको छोड़ दो, तो वहां पे भी आपको रियायत नहीं देनी चाहिए, उस आपको कंप्लेन करना चाहिए। और जो भी उस राज्य के मुख्यमंत्री है मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लोग भी कार्रवाई करेंगे, या केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी हम पे कार्रवाई करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है। लेकिन हम सबको मिलके इस पूरे विषय को गंभीरता से देखना पड़ेगा। आप सबको भी अपने अपने राज्यों में और जो नए मंत्री नहीं आए हैं उनके जो अधिकारी आए हैं आप सबको, एंड प्लीज कन्वे दिस टू ऑल द मिनिस्टर्स हु हैवंट कम एंड माय डिसप्लेजर एट दे आर नॉट कम। और मेरे ऑफिस में भी जरा देख लें कि जब उन मंत्रियों को मेरे से काम पड़े और समय मांगे तो हम भी बहुत बिजी हो जाएंगे उस टाइम पे। और क्या तरीका है, आखिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आ सकते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है क्या? उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से मंत्री आ सकते हैं, सिक्किम और मणिपुर इतनी दूर से हमारे मंत्री आ सकते हैं। खैर विषय मंत्री आने नहीं आने का नहीं है, विषय है कि कैसे उपभोक्ता का भी कोई नुकसान नहीं हो लेकिन समझदारी से कानून बने और गलत काम इस विभाग में कैसे बंद हो, इसके ऊपर हम सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मेरे ख्याल से अगर कौतल्या ने 2500 वर्ष पहले से भी अधिक शायद मुझे इतना, अगर उन्होंने भी इस बात की चिंता एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कर्तव्य के रूप में देखी तो मैं समझता हूं हम सब भी उससे कुछ दिशा निर्देश दें, कुछ सीखे समझे। देश का विकास करना है, देश का तेज गति से विकास करना है, उसके लिए लोगों को सहूलियत मिले व्यापार करने के लिए, सरलता से व्यापार हो सके, बेबुनियाद समय लोगों का बर्बाद ना हो, लेकिन साथ ही साथ हर जगह ईमानदार व्यवस्थाएं स्थापित करने की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अटूट भी है और अटल भी है। उनका वाक्य एकदम फेमस है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ये हम सबके लिए अप्लाई करते हैं। और मेरा आप सबसे आग्रह है कि हम सिर्फ जागो ग्राहक जागो एकमात्र स्लोगन नहीं बना के छोड़ें, विषय को गंभीरता से देखें,
कंज्यूमर्स की अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स करें, कंज्यूमर्स को समझाएं कि अगर आपके साथ गलत होता है तो आप आवाज उठाइए, क्योंकि आप आवाज नहीं उठाते हैं तो शायद कोई और गरीब उसका नुकसान भुगतेगा। हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस भी आज उपस्थित है, मैं आपसे भी चाहूंगा, और इसमें खासतौर पे जो पढ़े लिखे हमारे लोग हैं, हमारे जो मिडिल क्लास है, उसने इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे इस विषय को उजागर करना चाहिए। कई बार सामान्य आदमी इतना ज्यादा उसके पास समय नहीं होता है, इतना ज्यादा इन चीजों को सोचता है कि भाई ये तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैसे ही बहुत अनाज दे दिया, 5 किलो हर व्यक्ति को हर महीने 25 महीने तक मिले हैं, बहुत अनाज दे दिया। गरीब आदमी शायद सोच सकता है कि ठीक है, आधा किलो कम मिला है या 100 ग्राम कम मिला, मैं कहाँ भागूंगा, कल वो फेयर प्राइस शॉप वाला मेरे ही पीछे पड़ जाएगा, अधिकारी मुझे ही तंग करेंगे और मैं कहाँ कंप्लेंट करूं। हो सकता है उनके लिए कठिनाई भी हो, पर जो जागृत समाज है, जिसको इन चीजों की चिंता है, जिसको ध्यान आता है कि छोटी छोटी चीजों से समाज बिगड़ता है, समाज की सोच बिगड़ती है। और मैं कई बार यह उदाहरण देता हूं कि अगर 6 दुकानें हैं और उसमें एक व्यक्ति भी गलत काम करता है तो बाकी 5 दुकानों को या तो अपना व्यापार बंद करना पड़ेगा अगर वो ईमानदार रहना चाहे, या आस्ते आस्ते दूसरा तीसरा चौथा सब बेईमानी करनी शुरू कर दे, तो वापस लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। पर क्या ये इस देश और समाज के लिए अच्छा है? क्या हम इस प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित करना चाहते हैं, हमारे बच्चों के पास छोड़ना चाहते हैं, अगली पीढ़ी को ये विरासत में हम सबकी वजह से ये छोड़ के जाना चाहते हैं? इस पे जरा आप सब लोग विचार करिए, और मैं समझता हूं हम सबका संयुक्त दायित्व है, इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम सबको मिलके इसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि व्यवस्थाएं भी अच्छी हो, सरल हो, बेईमानी बंद हो, लेकिन उपभोक्ता का भी पूरी तरीके से ख्याल रखा जाए, और प्रैक्टिकल तरीके से, रिकॉग्नाइजिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड ऑल, पर मुझे लगता है प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा। हमारे अधिकारियों की भी सुननी पड़ेगी कि भाई उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर एडिक्वेट है कि नहीं, क्या आस्ते आस्ते हम कोई तरीके से सबको डिजिटल वे स्केल्स की तरफ लेके जा सकते हैं क्या? कि पुराना ही वो वजन काटा अभी तक चल रहा है, डिजिटल में किस तरीके से उसको रखना पड़ता है, टेम्परेचर के हिसाब से क्या उस पर इम्पैक्ट आता है। आखिर अभी आप बता रहे थे जब मैंने पूछा आपको कि ट्रांसपेरेंट कुछ लग सकता है क्या, जो ट्रेडिशनल था कि यहाँ पे जो वेट है उसके अंदर पीछे होल कर देते थे, ये तो पुराने जमाने की बात है, पता नहीं आज भी चलता है कि नहीं। तो एक सुझाव किसने दिया था कि जो भी लोहे का वेट है अगर उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग हो जाए, या कोई ट्रांसपेरेंट वेट ही बन सकता है क्या इस एक्यूरेसी का? आई डोंट नो, आई एम नॉट अ साइंस पर्सन, मैं तो सिंपल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मुझे टेक्निकल इसकी इतनी जानकारी, पर कैन वी फाइंड वेज जिससे उपभोक्ता को भी ध्यान में आए कि मेरे साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारे अधिकारी जो भी इस विषय को देखते हैं जमीन पे धरातल पे, जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेहरबानी करके इसको कैसे बिना किसी का शोषण किए अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करें। बोनाफाइड और मैलाफाइड के बीच में डिफ्रेंशिएट करें, एक अच्छा बैलेंस स्ट्राइक करें लेटर ऑफ द लॉ और स्पिरिट ऑफ द लॉ में, लेकिन स्पिरिट को भी अहमियत है। कानून सिर्फ अक्षरशा जो लिखा होता है वो ही नहीं होता है, उसका प्रियम्बल बताते हैं उसकी स्पिरिट क्या है, कानून का टाइटल बताते हैं उसकी स्पिरिट क्या है। और वास्तव में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सब ने प्रयास करना पड़ेगा, और उसमें आप सबकी सहमति आवश्यक है, क्योंकि ये इंप्लीमेंट तो आप लोग करते हैं,
मैं रूल्स भी देख रहा था, माय गॉड ये रूल्स तो आई एम अ लॉ ग्रेजुएट पर मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई एक पैराग्राफ एक जगह रूल मैंने देखा जिसमें 8 अलग अलग पैराग्राफ्स को रेफर किया गया, मतलब वो समझने के लिए शायद ऑर्डिनरी लॉयर भी नहीं, हमको कोई सीनियर काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। नहीं सर, जो है सर बाद में आप अपने जब आपका सेशन होगा उसमें, तो मेरा सुझाव है कि सरलीकरण, डिक्रिमिनलाइजेशन, इन सब चीजों को हम बहुत सीरियसली काम करें और नॉन कंप्लायंस जहां भी है उसको कैलिब्रेटेड वे में कैसे इसको हमने एक्शन लेना है, क्या तरीका हो सकता है जिससे ईमानदार व्यवस्थाएं नीचे तक पहुंचे, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस कैसे अच्छा हो सकता है, पर साथ ही साथ बिजनेसेस को कॉन्फिडेंस आए, निवेशकों को कॉन्फिडेंस आए कि भारत में आओ, आपके साथ अगर आपने गलत किया तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, हैबिचुअल ऑफेंडर्स को जरा भी कुछ बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जहां भी ईमानदार व्यवस्था को प्रोत्साहन दे दिया जा सके उसके प्रति भी हम सब सहानुभूति से काम करेंगे। ये बदलाव हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ थर्ड पार्टी एजेंसीज वगैरह को भी एक्रेडिट किया है इंस्पेक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, उन सब में भी ये मैसेज क्लियर हो कि एकदम ईमानदार व्यवस्था से करना है। अगर गलत काम एक बार, दो बार, तीसरी बार पाया जाए तो उनको ऐसा ब्लैकलिस्ट करे कि सिर्फ यहां नहीं पूरी लेबोरेटरी और कोई काम ना कर पाए। वहां उस स्टेज पे डर होना आवश्यक है कि उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है, हमारे इंस्पेक्टर्स पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उनकी जिम्मेदारी है, उनकी नौकरी है, उनका काम है। लेकिन अगर गलत काम को इस तरीके से चला जो अभी स्लाइड हमने देखी कि भाई पहली बार कंपाउंड करके उसके बाद खुली छूट है या कुछ और होता है, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, तो फिर उसके ऊपर हम जरा भी छोड़े नहीं। आप लोगों ने जो कैंपेन किया है रिसेंटली हेलमेट्स पे किया, हेलमेट्स की गुणवत्ता देखने के लिए, उसमें जो कल्पना के बाहर जानकारी आई, मतलब ऐसे हेलमेट्स बिक रहे थे जो प्रोटेक्शन छोड़ो शायद और डैमेज कर दे अगर कोई एक्सीडेंट हो, बॉडीली डैमेज हो जाए, क्यों अगर वो अंदर ही क्रश हो जाए तो और ज्यादा नुकसान होगा जिसने पहना। मैं आपको बधाई दूंगा कि आप सबने उस पर बहुत अच्छा काम किया, देशव्यापी हेलमेट्स के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल के दृष्टिकोण से कार्रवाई की गई है। ऐसे ही प्रेशर कुकर्स, कुकिंग गैस सिलेंडर्स, इन सब के ऊपर भी ऑफ रेट काफी काम हुआ है, काफी चिंता की गई है, इसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। पर अगर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, अगर भारत के बने वस्तुओं को विश्व भर में अहमियत और उसका सही स्थान दिलाना है, जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि बी वोकल फॉर लोकल एंड टेक लोकल टू ग्लोबल, अगर हमें उसमें सफलता प्राप्त करनी है तो मैं समझता हूं आप सबका काम उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, चाहे वो क्वालिटी हो, अच्छी गुणवत्ता वाला सामान देश में बिके, हर सामान अच्छा बने जिससे देश विदेश में एक ही सामान जाए। मैंने पहले भी कहा था वो मेड फॉर एक्सपोर्ट्स या एक्सपोर्ट क्वालिटी, इसको अपनी सोच और देश की सोच से निकालने की आवश्यकता है। क्वालिटी चाहे देश में बिके चाहे विदेश में एक ही होनी चाहिए और बढ़िया होनी चाहिए। वन नेशन वन स्टैंडर्ड की दिशा में भी काफी प्रगति हो रही है, हमें उसको भी और तेज गति से बढ़ाना है। मैं समझता हूं 20 मई को जब वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे सेलिब्रेट करने का अवसर होगा, तब तक हम ये कोशिश करें कि हम सब मिलके एक कैंपेन रूप में अगले 10-11 दिन इस विषय को रोज चाहिए तो
डिस्कस करें, हैमर करें, विचार विमर्श करें, लोगों की सलाह मशवरा करें, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से बात करें, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी इस पे मंथन हो और 20 तारीख तक कुछ ना कुछ एक नया पारदर्शी ईमानदार व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने वाला और साथ ही साथ ग्राहकों को की चिंता करने वाला एक अच्छा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की दिशा में प्रगति करें, अच्छी प्रगति करें या उसको तैयार करें, पब्लिक डोमेन में डालें फाइनल कंसल्टेशन के लिए। इससे देश का भी हित होगा, उद्योग और व्यापार का भी हित होगा और उपभोक्ताओं का भी हित होगा। आप सब आए उसके लिए पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करते हुए और उम्मीद करते हुए कि आज की ये कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी और आज का ये दिन सभी की याददाश्त में रहेगा कि इस दिन हमने फाइनल किया था देश के भविष्य को, भविष्य में सरल व्यवस्थाओं को और ईमानदार व्यवस्थाओं। अच्छे दिन भर के सब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग विषयों के ऊपर आज चर्चा होने वाली है, अलग अलग मंत्री अलग अलग विषय के पैनल को चेयर करेंगे या को चेयर करेंगे और मिलके हम एक नया इतिहास रचें। इस आशा के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।